पानीपत के सोशल मीडिया पर सक्रिय हुई टीम पानीपत के सदस्यों द्वारा सोमवार को निगम के बाहर खूंटे गाड़कर सड़कों पर घूम रहे गोवंश को नगर निगम कार्यालय के बाहर बांधने की चर्चा जोर पकड़ रही थी। पानीपत के नगर निगम कमिश्नर ने आज टीम पानीपत के सदस्यों को करीब 12 बजे फोन करके अपने कार्यालय में बातचीत के लिए बुलाया और उनसे पूरी बातचीत की। मुद्दा था सड़कों पर घूम रहे गोवंशों को सड़कों से हटाना और सुरक्षित किसी अन्य जगह स्थानांतरित करना। इस मुद्दे पर नगर निगम कमिश्नर ने पशुपालन विभाग से अधिकारियों को भी बुलाया और उनसे भी मुद्दे पर मदद मांगी। पशुपालन विभाग के अधिकारी ने बताया कि अभी गाय के ब्रीडिंग का वक्त है, ऐसे में बैल हिंसक हो जाते हैं। यदि उन्हें किसी गौशाला में कम उम्र के गोवंशों के साथ रखा गया तो वे उनसे लड़कर उन्हें जख्मी कर सकते हैं। उन्होंने निगमायुक्त को बताया कि विभाग का काम टैगिंग और गोवंश के स्वास्थ्य की जांच व उपचार का है, जिसे वे भली भांति से अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सभी गौशालाओं में इस वक्त सड़कों पर घूम रहे गोवंश के लिए कोई जगह उपलब्ध नहीं है। इस बीच नगर निगम कमिश्नर ने उनसे नैन गो अभ्यारण्य के प्रभारी से फोन पर बात करवाने की बात कही। टीम पानीपत के सदस्य इस मुद्दे पर अड़े रहे कि जो सांड सड़कों पर आवारा घूम रहे हैं खुद भी चोटिल हो रहे हैं और लोगों को भी चोटिल कर रहे हैं। इन्हें किसी भी हालत में पानीपत की सड़कों से हटाया जाना चाहिए। टीम पानीपत से मेहुल जैन व गौरव लिखा ने कहा कि यदि गाय गौशाला को भेजनी हो तो हाथों हाथ गायें ले ली जाती है, मगर जब नंदी की बात आती है तो गौशाला अपने हाथ खड़ा कर देती है। अब ऐसा नहीं चलेगा। किसी भी सूरत में सड़कों पर घूम रहे सांडों से शहर को मुक्त कराना होगा। इस संदर्भ में नगर निगम कमिश्नर ने सांडों के रहने की व्यवस्था करने के लिए पुरानी कोर्ट कम्प्लेक्स को भी देखा। इस बीच नैन गो अभ्यारण्य के पदाधिकारियों से फोन पर बात होने पर पानीपत में घूम रहे गोवंशों को नैन गो अभ्यारण्य में शिफ्ट करने पर सहमति बन गई। नगर निगम कमिश्नर ने तुरंत वाहन तथा स्टाफ उपलब्ध कराकर पानीपत की सड़कों पर घूम रहे गोवंशों को हटवाना शुरू कर दिया है और उन्हें वाहन में लादकर नैन गो अभ्यारण्य में शिफ्ट करने के काम को शुरू करवा दिया है। कुल मिलाकर टीम पानीपत द्वारा नगर निगम के सामने खूंटे गाड़कर गोवंश बांधने की स्थिति अब टल चुकी है। नगर निगम कमिश्नर ने अपनी सूझबूझ से नई परिस्थितियां पैदा करके लठ गाड़ दिया है। ये 5 दिन पहले जो टीम पानीपत ने नगर निगम को एक चेतावनी रूप में दी थी कि अगर शहर से गोवंश को नहीं उठाया गया तो आज उसका अंतिम दिन था, 5वां दिन था कि कल सुबह हमें यहाँ पे सारे जितना गोवंश है उनको लाके नगर निगम के बाहर बांधना था। तो कमिश्नर साहब का फ़ोन आया और इस बारे में कमिश्नर साहब ने बुलाया और बुलाने के बाद सारा मीडिया भी यहीं पे थी और हमारे सभी साथी भी यहाँ पे थे। तुरंत रूप से उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इसी तरीके से जो इनको सड़कों पे पशु हैं इनको उठाना शुरू करें और उसके लिए गाड़ियाँ बोल दी गई हैं, कर्मचारियों को भी बुला लिया गया है और बुलाने के बाद इसमें इसको स्टेप वाइज ले रहे हैं। सबसे पहले जीटी रोड के बाद जितनी भी हमारी साइड रोड्स हैं जैसे कि असंध रोड, जाटल रोड, गोहाना रोड, सनोली रोड, बरसद रोड, यहाँ से फिर उसके बाद हम रिहायशी एरिया में शुरू करेंगे। और आज अभी थोड़ी देर इसीलिए खड़े हुए हैं यहाँ पे, अभी गाड़ियाँ आ रही हैं और इनको यहाँ से उठा के नैन गौशाला भेजा जाएगा और नैन गौशाला के बाद ये मूवमेंट लगातार जारी रहेगी ताकि लोगों को इससे एक नमस्कार। मैं मोहित बजाज टीम पानीपत से। आज जो मीटिंग हुई है कमिश्नर साहब से उसमें बहुत अच्छे नतीजे निकल कर आए हैं। इमीडिएट में तो जो हल निकला है कि नैन गो अभ्यारण में जो भेजे जाएंगे गोवंश भी वो तो है ही है, साथ साथ उन्होंने एक चीज़ और क्लियर की है कि बरसत रोड पे एक 4-4.5 किले के आसपास जगह है निगम की, उसको डेवलप करके और गौशाला में और नंदीग्राम में बना के उसको वहाँ भी भेजा जाएगा और परमानेंटली वो डेवलप किया जाएगा। मैं सब शहरवासियों से अपील करता हूँ कि इस काम में पूरा समर्थन दें आगे बढ़कर। बोलिए, टीम पानीपत जिसने संकल्प लिया था आज से 5 दिन पहले कि अगर सोमवार तक पशुधन को सड़कों से नहीं हटाया जाएगा तो सोमवार को हम सब लोग पशुधन को निगम ऑफिस के बाहर बांधना शुरू कर देंगे, और इन सब बातों को देखते हुए आज हमें निगम कमिश्नर ने अपने ऑफिस में बुलाया और लगभग हम सभी जो मुख्य लोग हैं वो कार्यालय में उनके पहुँचे और साथ में पार्षद लोकेश लांगरू जी, पार्षद अश्विनी ढींगड़ा जी और भी कई लोग मौजूद थे। बहुत सारे विचार विमर्श के बाद उन्होंने यह निर्णय दिया कि अभी तुरंत प्रभाव से 1 घंटे के अंदर अंदर गाड़ियां लगाकर पशुधन को सड़कों से उठाना शुरू कर दिया जाएगा और नैन गांव में उनको भेजना शुरू कर दिया जाएगा, नैन जो गौ अभ्यारण्य है। और इसमें टीम पानीपत पूरा सपोर्ट करेगी और पूर्ण रूप से, और जल्द ही पानीपत के जितने भी सड़कों पर गोवंश घूम रहा है उसको उठा लिया।